जय हिंद दोस्तों, सरकारी जॉब बाय राकेश यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आईएएस बनना हर एक स्टूडेंट्स का सपना होता है, और क्यों ना हो, क्योंकि आईएएस अधिकारी को सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा वेतन दिया जाता है, बहुत अच्छी सुविधाएं दी जाती है और बहुत सारे भत्ते दिए जाते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आईएएस अधिकारी को कितना वेतन दिया जाता है, कौन कौन से भत्ते दिए जाते हैं और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज आप हमारे साथ इस वीडियो के ऊपर शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। साथ के साथ अगर आप ऐसे और ज्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें, ताकि आप देख सके हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आईएएस अधिकारी को मिलने वाली सुविधाओं में नंबर एक है आवास। तैनात होने वाले राज्य की राजधानी में वीवीआईपी प्रतिबंधित क्षेत्र में आईएएस अधिकारी को एक डुप्लीकेट बंगला दिया जाता है। अन्य जिला आयुक्त या मुख्यालय में पोस्टिंग होने के बावजूद भी निरपेक्ष रूप से उनके द्वारा यह लाभ प्राप्त किया जाता है। नंबर दो, सर्विस क्वार्टर। राज्य की राजधानी में आवास होने के अलावा जिस जिले या मुख्यालय में आईएएस अधिकारी की पोस्टिंग होती है, वहां उसको सर्विस क्वार्टर प्रदान किया जाता है। नंबर तीन, परिवहन। एक आईएएस अधिकारी को किसी प्रयोजन हेतु आवाजाही के लिए कम से कम एक एवं अधिकतम तीन सरकारी वाहन चालक सहित आवंटित किए जाते हैं। सभी वाहन नीली प्रकाश बत्ती से लैस होते हैं। अधिकारी जिनकी नियुक्ति मुख्य सचिव के स्केल पर होती है, उनको लाल प्रकाश बत्ती वाला वाहन आवंटित किया जाता है। आईएएस अधिकारी को आवंटित किए गए वाहन के ईंधन एवं रखरखाव के मूल्य का वहन सरकार द्वारा किया जाता है। नंबर तीन, सुरक्षा। आईएएस अधिकारी एवं उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा प्रदान की जाती है। सामान्यतः राज्य मुख्यालय में नियुक्त आईएएस अधिकारी को तीन होमगार्ड एवं दो बॉडीगार्ड आवंटित किए जाते हैं। उनके जीवन के लिए खतरा होने की स्थिति में उनकी सुरक्षा के लिए एसटीएफ कमांडो भी तैनात किया जाता है। जिला मजिस्ट्रेट आयुक्त के पद पर तैनात आईएएस अधिकारी के लिए पूरा पुलिस बल उनके अंतर्गत होता है, और वो जरूरत पड़ने पर अपनी सुरक्षा कवर अपने हिसाब से डिजाइन कर सकता है। आगे दोस्तों, बिल। निजी उपक्रम के कर्मचारियों के विपरीत आईएएस अधिकारी को आम घरेलू सेवाओं के लिए भुगतान नहीं करना पड़ता। उदाहरण के लिए, कार्यालय आवास के लिए बिजली या तो पूरी तरह मुफ्त या बहुत ही सब्सिडी पर उपलब्ध कराई जाती है। इसी तरह उन्हें मुफ्त टॉक टाइम, एसएमएस और इंटरनेट सेवाओं के साथ तीन बीएसएनएल सिम कार्ड आवंटित किए जाते हैं। साथ ही साथ उनको बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन एवं एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान किया जाता है। यात्रा। आधिकारिक और अनाधिकारिक यात्रियों के लिए आईएएस अधिकारी सर्किट हाउस, सरकारी बंगले या अलग अलग राज्यों के विश्राम गृहों में रियायती दरों पर आवास सुविधा का आनंद लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के किसी भी तरह की यात्रा पर आईएएस अधिकारी को संबंधित राज्य के राज्य भवन में सभी सुविधाओं के साथ ठहरने की व्यवस्था होती है। घरेलू स्टाफ। आईएएस अधिकारी को आधिकारिक आवास या सर्विस क्वार्टर के प्रतिदिन के कार्यों की देखरेख करने हेतु घरेलू स्टाफ प्रदान किया जाता है। अध्ययन अवकाश। एक अन्य सुविधा का आनंद जो एक आईएएस अधिकारी उठाता है, वह दो से चार वर्ष तक का अध्ययन अवकाश। इसके अंतर्गत आईएएस अधिकारी किसी प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए चार साल का अवकाश ले सकता है, जिसके खर्च का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा। अन्य सुविधाएं। आईएएस अधिकारी कई अन्य सुविधाओं का, जैसे पीएफ, ग्रेच्युटी, स्वास्थ्य सेवाओं, जीवन भर पेंशन और कई अन्य सेवानिवृत्त लाभ के रूप में आनंद उठाते हैं। अनाधिकारिक लाभ। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को जिला या उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आयोजित सभी प्रमुख कार्यक्रमों में आमंत्रित किया जाता है, जिसमें मुफ्त टिकट और क्रिकेट मैच के लिए पास, संगीत पार्टियां और अन्य शामिल है। दोस्तों, वेतन। इन सभी सुविधाओं के साथ साथ एक आईएएस अधिकारी को अच्छा वेतन भी दिया जाता है, जो इस प्रकार से है। दोस्तों, आईएएस अधिकारी को शुरू की एक साल से लेकर चार साल तक लेवल 10 का वेतन दिया जाता है, जिसके अंदर बेसिक पे 56,100 रुपये होते हैं। दोस्तों, आईएएस अधिकारी की इस लेवल के अंदर एएसपी, एसडीएम और असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्टें आती हैं। दोस्तों, चार साल की सर्विस पूरी होने के बाद आईएएस अधिकारी को लेवल 11 का वेतन दिया जाता है, जो कि 67,700 रुपये से शुरू होता है। दोस्तों, जो कि 5 साल की सर्विस से लेकर 8 साल की सर्विस तक ये वेतन दिया जाता है, जिसके अंदर एसडीएम, डिप्टी सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी की पोस्टें आती हैं।
दोस्तों जैसे आईएएस अधिकारी की 8 साल सर्विस पूरी हो जाती है तो उसके बाद 9 साल से लेकर 12 साल की सर्विस तक उसे लेवल 12 का वेतन दिया जाता है जो कि 78,800 रुपये से शुरू होता है। दोस्तों इस लेवल के अंदर आईएएस अधिकारी की डीएम, जॉइंट सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी की पोस्टें आती हैं। दोस्तों जैसे ही 12 साल की सर्विस पूरी हो जाती है तो 13 साल से लेकर 16 साल की सर्विस तक आईएएस अधिकारी को लेवल 13 का वेतन दिया जाता है जो कि 1,18,500 रुपये से शुरू होता है। दोस्तों लेवल 13 के अंदर डीएम, स्पेशल सेक्रेटरी कम डायरेक्टर और डायरेक्टर की पोस्टें आती हैं। दोस्तों 16 साल की सर्विस पूरी होने के बाद आईएएस अधिकारी को लेवल 14 का वेतन दिया जाता है जो कि 1,44,200 रुपये से शुरू होता है। दोस्तों 16 साल की सर्विस से लेकर 24 साल की सर्विस तक ये वेतन दिया जाता है जिसके अंदर डिविजनल कमिश्नर और सेक्रेटरी कम कमिश्नर जॉइंट सेक्रेटरी की पोस्टें आती हैं। दोस्तों 24 साल की सर्विस के बाद आईएएस अधिकारी को लेवल 15 का वेतन दिया जाता है जो कि 1,82,200 रुपये से शुरू होता है जो कि 25 साल की सर्विस से लेकर 30 साल की सर्विस तक होता है जिसके अंदर डिविजनल कमिश्नर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्टें होती हैं। दोस्तों 30 साल सर्विस पूरी करने के बाद एक आईएएस अधिकारी को लेवल 16 का वेतन दिया जाता है जो कि 2,05,400 रुपये से शुरू होता है जो कि 30 साल की सर्विस से लेकर 33 साल की सर्विस तक दिया जाता है जिसके अंदर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट होती है। दोस्तों 33 साल की सर्विस के बाद आईएएस अधिकारी को लेवल 17 का वेतन दिया जाता है जो कि 2,25,000 रुपये से शुरू होता है। दोस्तों ये 34 साल की सर्विस से लेकर 36 साल की सर्विस तक होता है जिसके अंदर चीफ सेक्रेटरी की पोस्टें होती हैं। दोस्तों 36 साल की सर्विस के बाद आईएएस अधिकारी की लास्ट पोस्ट होती है जिसके अंदर लेवल 18 का वेतन दिया जाता है जो कि 2,50,000 रुपये से इनका वेतन शुरू होता है और जो कि ये 37 साल की सर्विस से लास्ट पेंशन तक ये जो इस पोस्ट के ऊपर वो रहते हैं जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की ये पोस्ट है जिसके अंदर कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करता है। तो इस प्रकार से आईएएस अधिकारी को वेतन दिया जाता है। दोस्तों आईएएस अधिकारी को वेतन के साथ उसको डीए अलाउंस, टीए अलाउंस और एचआरए भी दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आईएएस अधिकारी को वेतन दिया जाता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। साथ के साथ ऐसे और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन ऑन कर लें ताकि आप देख सकें हमारे द्वारा अपलोड किए गए हर एक वीडियो का अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद दोस्तों।